फैक्ट नंबर एक। गाइस, क्या बॉलीवुड में एक बार फिर शादी की शहनाई बजने वाली है और एक हाई प्रोफाइल शादी होने वाली है? जी हाँ गाइस, खबरों के मुताबिक कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शादी की पूरी तैयारी कर ली है और ये कपल इस नए साल में 6 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि इस कपल ने शादी के लिए राजस्थान के रॉयल जैसलमेर पैलेस को चुना है, जहां बहुत सी रॉयल और आलीशान तरीके से शादियों को अंजाम दिया गया है। दरअसल इन दोनों के बीच लव अफेयर की शुरुआत फिल्म शेरशाह की शूटिंग के दौरान ही हो गई थी। हालांकि इस बीच इनके ब्रेकअप की खबरें भी गर्म होती रहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और फाइनली दोनों ने ही शादी का ऐलान कर दिया है। फैक्ट नंबर दो। आपकी जिंदगी में एक अच्छा मौका आपकी किस्मत को बदल के रख सकता है और कुछ ऐसा ही हुआ सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को बॉलीवुड में अपना पहला ब्रेक स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी से मिला था, लेकिन उसके बाद उनका फिल्मी करियर नीचे की तरफ जाने लगा। फिल्म हंसी तो फंसी, एक विलन, ब्रदर्स, जबरिया जोड़ी और मरजामा जैसी फिल्में फ्लॉप रही और इसी वजह से कई फिल्म डायरेक्टर्स ने उन्हें साइन करना बंद कर दिया था। लेकिन फिल्म शेरशाह उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के सुस्त करियर को एक नई रफ्तार दे दी है। उन्होंने फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार इस बखूबी के साथ निभाया है कि हर कोई उनके अभिनय की तारीफ कर रहा है। गाइस, सर्दियों का मौसम चल रहा है और लोगों के वजन बढ़ने की समस्या भी सामने आ रही है, और अगर आप भी उसमें से हैं तो जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ऐसे में जरूरी है कि आप इस मौसम में कुछ खास बातों का ध्यान रखें, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अक्सर देखा गया है कि घर में स्वादिष्ट चीजें बनती हैं, जैसे कि गाजर का हलवा, मूंग का हलवा और ऐसी कई चीजें जिसमें कैलोरीज की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिससे वजन बढ़ने और मोटापे जैसी समस्या का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए जरूरी है कि इन चीजों को लिमिट में ही सेवन करें और खाना खाने से पहले पानी जरूर पिएं। वहीं अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो जरूरी है कि डाइट में विटामिन फाइबर से भरपूर चीजों का सेवन करें। इसके अलावा आपको रोजाना एक्सरसाइज भी करना है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आपको एक्सरसाइज करने के लिए जिम ही जाना पड़े, आप घर पर रह के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लो कैलोरी स्नैक्स खाएं और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं।